अब जैसे कबीर सागर में 600 वर्ष पहले लिखा था परमात्मा ने कि बर में पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। पुणात्माओं, ये एक अनमोल खजाना हाथ लगा अपने आपको दृढ़ विश्वास कराने के लिए, ताकि आप जल्दी संभल जाओ, और लेट करोगे उतनी देरी बनेगी। और इसलिए आपको बार बार रूबरू कराते हैं कि जल्दी समझ में आ जा आप जी के, और अपना कल्याण कराने के लिए सब बरवाड़ा में आ जाएं और कल्याण हो जाएगा आपका। एक पुस्तक है जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख श्री तुलसीदास मथुरा वाले की भविष्यवाणी कहो या वर्तमान की सच्ची वाणी, ये फिर रूबरू कराते हैं। पुणात्मा, यदि हम कबीर पंथ से ही कुछ दिखावा सारे तो कम विश्वास होगा कि अपनी अपनी सब लिख रहे, और दूसरे महापुरुष भी उसका समर्थन करें तो मानव समाज के समक्ष एक सच्चाई उभर कर आ जाएगी। ये देखिए, ये पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग दो। ये है श्री तुलसीदास जो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक हैं मथुरा के, और ये है प्रकाशक, प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश, और मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स। ये महापुरुष जो है राधा स्वामी पंथ से ही निकला पंथ है, वही पांच नाम जाप करवा करता और करवाता है। इसका नाम है परम संत तुलसीदास जी महाराज। ये पहला महापुरुष है इसमें राधा स्वामी के अंदर जो अपने पीछे दास लगाता है। ये शिवदयाल जी से भी परम शक्ति भक्ति युक्त था पिछले जन्म का, अभी से पहले इसकी बैटरी काम करे थी। और ये कहते हैं कि अनुयायी के इस तुलसीदास से विश्व में शांति होगी। इसने 70 साल हो गए जय गुरुदेव कलयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा। अब 70 साल में तो 80 साल में तो जय गुरुदेव लाया नहीं सतयुग, दूना कलयुग बढ़ गया, इनसे शांति नहीं होगी। इसने जिसके विषय में इसमें कहा उससे शांति होगी, देखना। अब दिखाता हूँ आपको इसी पुस्तक में प्रश्न नंबर 59 पे, इस महापुरुष ने 28 अगस्त 1971 को एक स्टेटमेंट दी थी पृष्ठ ये 59 पे। इसने इस 28 अगस्त 1971 को एक स्टेटमेंट दी जो शाकाहारी पत्रिका में छपी। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। इससे पूछने लगे तुलसीदास जी से कि हे महाराज, वो कौन है महापुरुष जिससे इतना बड़ा उपकार होगा जनता का, और जब वो प्रकट हो चुका है, उसका जन्म हो चुका है, उसका ठिकाना भी बता दो। अब 50 पृष्ठ पर इसमें लिखा है 7 सितंबर 1971 को इसने फिर स्टेटमेंट दी है, तो उस समय इस पुनकर्मी आत्मा की बैटरी फुल थी, एग्जैक्ट बता दिया। और फिर इसने करोड़ों आदमी पाछे ला लिया, आशीर्वाद दे दिया, अपनी बैटरी डाउन कर ली। आगे चार्जर ठीक नहीं था, चार्जर मीन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी। पांचों नाम काल के जाप करें ये यूजलेस, इनके जाप करने से राधा स्वामी पंथ का प्रमुख शिवदयाल जी भूत बना, अपनी शिष्य बुक्की में बोल रहे समाधान करे, इंटरनेट ला गया बुक्की में, फिर वो बन गए। तो जब उस महापुरुष के प्रवर्तक की यह हालत, तो आपका क्या होगा? तो यही स्थिति इसकी बन गई। उस राधा स्वामी के प्रवर्तक शिवदयाल जी को ये परम धनी मान कर फंस गया, उसके आगे साधना ठीक हुई नहीं, उस समय बैटरी फुल थी, और
उसमें फुल बैटरी थी जब के बोला, ये देखिएगा, ये वही पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी जो अभी आपको दिखाई थी, ये यहां से छपी है। अब हम इसके पृष्ठ 50 पर आ गए हैं, वो 59 पृष्ठ पर 28 सितंबर की स्टेटमेंट थी, और अब 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को यह स्टेटमेंट दी, 8 सितंबर 1951 को दास का जन्म हुआ, 7 सितंबर 1971 को रामपाल दास पूरा 20 वर्ष का हो गया, और 8 सितंबर को 21वां वर्ष दास का प्रारंभ हुआ। फिर पढ़िए, लोग पूछने लगे तो इन्होंने कहा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है, यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे, अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है, समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, ये महापुरुषों ने ऐसा काम, जैसे इसने नास्त्रेदमस जी ने भी 450 वर्ष पहले भविष्यवाणी कर दी थी, आप जो इस ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ते हो, और उसका समर्थन कर दिया इस जय गुरुदेव बुथरा वाले पंथ के श्री तुलसीदास साहेब ने, संत ने। अपने आत्माओं, 1971 में इसकी बैटरी फुल थी, सही काम करे था इसकी दिव्य दृष्टि, पिछले पुनों से, पिछले जन्म जन्मांतर के संस्कारों से, और उस समय इसने बता दिया, ये सन 1954 से पहले से सत्संग करता रहा है। 1954 को आज लगभग 67 वर्ष हो गए, 70 वर्ष लागल ला लो, और 1971 को आज 40 वर्ष हो गए। उस समय इसकी बैटरी सही फुल थी, दिव्य दृष्टि काम करे थी, सच्ची बता दी, और ये भी बात इसकी ठीक है, उस समय ये बता भी देते कि वो गांव दनाना जिला सोनीपत हरियाणा में है भाई। तो उस समय ये दास ट्रेनिंग कर रहा था डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन नीलोखेड़ी इंस्टीट्यूट करनाल डिस्ट्रिक्ट में, तो उस समय किसे का नहीं जच्चा होगा, यू रामपाल वो काम करना रहा है, लेकिन आज अगर इसकी दिवदृष्टि काम करे है, करती होती तो कह देता ये दास सर्व संपन्न है, सारे शास्त्र शस्त्र दास के पास है, यानी आध्यात्मिक शस्त्र सतनाम सार नाम सारी विद्या दास के पास है, आज इसकी दिवदृष्टि काम कर रही होती, इसने कह देना चाहिए सारे अपने अनुयायियों को कि जाओ अबरवाला में, ये दास कोई भीड़ करना नहीं चाहता, यहाँ पर कोई प्रभुता का भूखा नहीं, दास तो गुलाम उस परम पिता परमात्मा का उसका कुत्ता है, आप धनियों के लिए भौंक रहा, आपको जगा रहा है, और जो कुत्ते की आवाज़ सुनकर जाग जाता है वो अपने धन को बचा लेता है, और आवाज़ सुनकर भी मरोड़े मार कर सो जाता है, सुबह उसका नुकसान हुआ मिलता है। तो पुण्यात्माओं, ये समय है, अब दास को अपना दास समझ कर आ जाए, या कोई मान बड़ाई नहीं है, एक डॉक्टर है ये दास, एक डॉक्टर है, और डॉक्टर का बीमारी हो जाए डॉक्टर भी तो डॉक्टर के पास जाकर रोग दवाई इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो इन संतों को चाहिए थोड़ी शुद्धि करें, बतेरे दिन हो गए काल का दाव लग रहा है, अब तक जो गई सो गई, अब बच्ची को तो रखें, ये स्वयं भी आम कल्याण करवा लें, ये भगवान घर के इसलिए छोड़कर चले थे परमात्मा मिले, और ये पड़गे काल का हाथ है, इन सब प्रमाणों को सब देखें और परमात्मा को पाने के लिए दास के पास आवें, कल्याण करवाऊं, और इससे इनका बहुत हित होगा, इन गुरुओं का, नकली गुरुओं का, जिनके पास दो अक्षर का सतनाम नहीं है, सोए गुरु पूरा का हवे, दो अक्षर का भेद बतावे।
इनका ये हित होगा कि इन पाप सर पर धर लिया करोड़ों शिष्यों का, लाखों शिष्यों का, और ये भारी न इतना भारी हो जाएगा, ये भी नरक में और ये शिष्य भी बेचारे भोले वाले इनके इनको परम धनी मान कर जीवन वेस्ट करके व्यर्थ करके। अब ये बाहर मुक्त हो सकते ये संत यूं कह करके कि भाई मेरे पास यथार्थ मार्ग नहीं, मैं भी भूल में था, और आओ तुम भी चलो और हम भी चलते हैं, दीक्षा ले और पार हो चाहे सारी पृथ्वी आ जाओ, एक नाम जाप करना है सबको पार कर देगा परमात्मा सतनाम से। इनका भी कल्याण हो जाएगा। अपने आत्माओं, ये तो भविष्य वक्ताओं ने जो ज्ञान दिया इनका धन्यवाद। और ये अगर ना ये कहते तो भी ये तो होना था, क्योंकि जैसे परमात्मा ने ये सारा खगोल बना रखा है ऊपर सब अंतरिक्ष में, ये पृथ्वी ये सब कुछ बना रखे हैं, समय पर घूम रहे हैं, और कोई भगोल खगोल का जानने वाला ये बता दे कैलकुलेशन करके कि परसों 6:30 पर सूर्य उदय होगा, उसने वो ना बताता तो अभी होना ही था वो, तो क्योंकि परमात्मा ने भी दान बना रखा है।